स्पेशल में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य भले ही 2000 में गठन के बाद 2020 में पहुंच गया हो, लेकिन आज भी कई गांव में सड़क बिजली पानी की समस्याएं बनी हुई हैं। जशपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र आज भी विकास कार्य की राह देख रहे हैं। यहाँ सड़क नहीं होने पर जल भराव की स्थिति भी होती है और जब जबला गांव की प्रसूता को परिजन खाट पर ढोकर 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, लेकिन फिर भी 108 एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, तब जाकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लिए पहुंचा मार्ग नहीं होने के चलते स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि इस गांव के लिए अस्पताल नहीं है, ग्राम पंचायत तंबाक झार में उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहां की नर्स अक्सर गायब रहती हैं। सड़क खराब होने से महतारी एक्सप्रेस का लाभ भी नहीं मिल पाता। है पुलिया नहीं है, दुई पुलिया नहीं है, इसने कच्ची रोड है ले, अब हमके तो मेन रोड तक पहुंचा के पड़ी काम का था। 4 किलोमीटर बोझ चला गया। अच्छा, 108 के फोन के रहे? हाँ, क्या करा रही है? तो कहाँ कहीं? हाँ, 108 वाले तो घरे वाले नहीं झुके सकी। अच्छा, तो निजी गाड़ी है क्या? हाँ, निजी मोरे किराया है लेता हमें। पूरी जानकारी एकत्रित करके उस दोनों पुलिया का इस्टीमेट वगैरह बना करके कार्रवाई कर ली गई है और तत्काल ही उसका कार्य शुरू होगा। अभी वर्षा के कारण उसमें अभी कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद उसमें तत्काल कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो मामला पूरा जशपुर का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि महिला को किस तरह से चारपाई पर लेटाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि लोग यहां पर अस्पताल जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना तो यहाँ पर महतारी एक्सप्रेस आती है और ना ही 108, जिसके चलते लोगों को पैदल ही ये सफर तय करना पड़ता है मरीजों को साथ में लेकर। और गांव में अस्पताल है, उसके बावजूद भी वहां पर ना तो नर्स टाइम पर रहती है और ना ही सुविधाएं वहां पर मिल पाती हैं, जिसके चलते वहां के जो रहवासी हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक प्रसूता को चारपाई पर लटाकर पानी पार कर रहे हैं और 5 किलोमीटर तक का जो सफर है वो यूं ही तय किया गया और फिर उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। तो छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ था, जिसके बाद 20 साल हो चुके हैं, पर अभी भी यहां पर कुछ ऐसे गांव हैं जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बिजली हो, पानी हो, हॉस्पिटल हो, यहां तक कि इस गांव में एम्बुलेंस तक नहीं जाती है। तो एक बड़ा सवाल उन लोगों पर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, कि जहां एक तरफ देश डिजिटल होता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। पांच किलोमीटर हम के बुझ ले जाए है, तो वहां के निवासियों का क्या कुछ कहना था वो भी आपको सुनाया। और जिम्मेदारों का कहना है कि अभी बरसात है, जिस वजह से काम नहीं हो पाएगा, बारिश खत्म होने के बाद जरूर इस पर काम किया जाएगा, पर 20 साल होने के बाद भी अभी भी जिम्मेदार बारिश का हवाला दे रहे हैं। और अब देखना ये काफी खास होगा कि आने वाले साल या फिर बारिश के बाद क्या कुछ होता है। चलिए बात करेंगे।